हेलो फ्रेंड्स, आज हम अब बात करने वाले हैं कि पाइसेस लगन में, जो कि जुपिटर एसेंडेंट का है, पाइसेस जो रूल जुपिटर है उस लगन में सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस पे बैठा हो। मैं पाइसेस को हमेशा स्पाइसेस बोलता रहता हूँ, मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो अगर मैं वीडियो में कहीं पे पाइसेस के बदले स्पाइसेस बोलूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब बात ये आती है कि सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है पाइसेस लगन के, तो क्या रिजल्ट देगा। देखा, मैं दिमाग में वो बात बोल रही, तो अब मेरे मुंह जवान में भी वही बात आ रही है। सो रियली सॉरी, बट ये मेरे साथ होता रहता है। तो पाइसेस लगन में अगर फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा है और एसेंडेंट में बैठा है, तो क्या रिजल्ट होगा। काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा, लेकिन मैंने आपसे पहले भी बोला, आपसे पहले भी बात हुई थी, जुपिटर सैजिटेरियस हाउस जो एसेंडेंट है उसका भी ओनर होता है, वहाँ पे मैंने बहुत पॉजिटिव बोला था सैटर्न को। यहाँ पे भी पॉजिटिव है, क्या सेम पॉजिटिविटी रहेगी। नहीं, थोड़ा डिफरेंट रहेगा, तो वो बात हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी सैटर्न बहुत पॉजिटिव है। बात करने से पहले मैं ज़रूर बोलूँगा आप लोगों को जी कि प्लीज़ मेरे क्या बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोज़ पसंद आ रही है तो उनको लाइक भी कीजिए। आप लोगों के काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास, जिसके लिए मैं आप लोगों को थैंकफुल हूँ। मैं अभी भी पर्सनल एजुकेशन नहीं दे रहा हूँ किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ों का। मैं जो भी नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, एज एन गाइड प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो वीडियो के थ्रू कर रहा हूँ, और वीडियो में ही आपको नॉलेज मिलेगा जो मिलेगा। सेकंड पॉइंट ये है कि आप लोगों ने बहुत कॉल किया है, काफ़ी लोगों ने कॉल किया है और अपनी पर्सनल चार्ट रीडिंग की रिक्वेस्ट करी है, जो कि मैं कर रहा हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं ये फ्री कर रहा हूँ, बिकॉज़ उन लोगों ने अप्रूव किया है जी कि मैं उन लोगों की रीडिंग मैं क्या बोलते हैं यूट्यूब पे डाल सकूँ। तो मैं आप लोगों के कई लोगों की वीडियोस, जो आप लोगों की पर्सनल रीडिंग है, वो मैं यूट्यूब में डालूंगा, और पर्सनल रीडिंग आपकी यूट्यूब में आप वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। मैं बाई 25th आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप बाई 25th अपने पर्सनल, अगर आप अपना फ्री रीडिंग चाहते हैं, तो आप लोग अपना पर्सनल डिटेल, जो कि डेट ऑफ बर्थ होगा आपका, टाइम ऑफ बर्थ होगा, प्लेस ऑफ बर्थ होगा, और आपका नाम होगा, वो आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए नंबर पे ना व्हाट्सएप कर दीजिए। आप में से कुछ लोगों का मैं आफ्टर 25th फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग करूँगा, और आप लोग वो वीडियो अपडेट करूँगा, ताकि आप लोग अपने आप को समझने में बेहतर तरीके से आप समझ पाएँ अपनी चार्ट को और अपने आप को। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि अगर 25th से पहले आप अपना पर्सनल डिटेल भेज रहे हैं, तो उसके बाद मैं आप लोगों के लिए, आपके लिए फ्री कुंडली रीडिंग, कुछ लोगों के लिए, सबकी नहीं, कुछ लोगों के लिए मैं जितना होगा उतना करूँगा। जितने लोगों की फ्री रीडिंग दे सकता हूँ मैं दूंगा, कुछ लोगों को काफ़ी लोग मतलब जितना हो सके उतना दूंगा, बाकी जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए उनको पर्सनल रीडिंग भी दूंगा। बहरहाल काफ़ी टाइम इस पर बात हो गई है, अब इसके आगे हम बात करते हैं जी कि पाइसेस एसेंडेंट में सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो कैसे कैसे रिजल्ट देने वाला है। सबसे पहले बात हो जाती है जी कि सैटर्न अगर 12th हाउस में बैठा है, सॉरी बिल्कुल 12th हाउस में बैठा, सॉरी किस बात की, 10th और 11th हाउस का नंबर है यहाँ पे, मतलब अगर यहाँ पे 10 लिखा है ये 11th हाउस का ओनर है, और यहाँ पे 11 लिखा है ये 12th हाउस का ओनर होके सैटर्न यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। 11वें और 12 आपके लगन में, आपके एसेंडेंट के 11वें और 12वें भाव का मालिक 10वें पहले भाव में बैठा हुआ है, तो क्या है इसका मतलब। ये है कि इनकम तो है आपकी ज़िंदगी में, आपको इनकम मिलेगा, कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिलेगा, लेकिन वो जो इनकम होगी वो आप खर्चा कर देंगे अपने ऊपर, आपके हेल्थ पे हो सकता है, अपनी ऐशो आराम पे हो सकता है, कंफर्ट पे हो सकता है, उसके ऊपर आप खर्चा कर देंगे। आपके एक्सपेंसेस रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज देता है और ये भी हेल्थ इश्यूज देता है, तो यहाँ से ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन का थोड़ा सा टेंशन आ जाता है, तो हॉस्पिटल या मेडिकल्स में, मेडिसिन में या मेडिकल में आपका खर्चा होगा। आपकी वाइफ के थ्रू, आपकी वाइफ पे भी हो सकता है, वाइफ के ऊपर भी हो सकता है, उनका मेडिकल खर्चा भी हो सकता है, तो हेल्थ का थोड़ा सा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अदरवाइज इस सैटर्न का गजब फायदा है, आपको इनकम बहुत कराने वाला है यहाँ से आपको। साइमल्टेनियसली जुपिटर, आपको तो पता है कि सैटर्न तो पूरी दोस्ती निभा रहा है जुपिटर के साथ में, जुपिटर है जो मानता नहीं, लेकिन सैटर्न तो मानता ना उसको अपना दोस्त,
तो जुपिटर की साथ सैटर्न की दोस्ती ऐसी है, जुपिटर न्यूट्रल है लेकिन सैटर्न उसके साथ पूरी दोस्ती निभा रहा है, तो यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न कोई नेगेटिव इफेक्ट उतना कुछ नहीं देने वाला, अपने हाउस के इफेक्ट्स तो वो देगा ना, लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न अगर 12वें घर का इफेक्ट ऐसा मेडिकल में दे रहा है तो साइमल्टेनियसली वो आपको बाहर परमानेंटली शिफ्ट भी कर देगा। अगर अष्टम का आठवां नंबर, सॉरी अष्टम इसलिए बोल रहा हूँ, आठ नंबर लिखा है लेकिन ये नौवां घर है आपका, नवम का मालिक अगर कहीं स्ट्रांग है, मंगल कहीं स्ट्रांग बैठा हुआ है, मतलब इस घर का मालिक अगर कहीं स्ट्रांग बैठा हुआ है तो आपको बाहर सेटलमेंट के, ऐसे भी बाहर सेटलमेंट की कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर होगा, आप अपनी पर्सनैलिटी को इतना इम्प्रूव कर देंगे जिसकि आप बाहर सेटल हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय की को बात नहीं है, लेकिन आपकी सैटर्न स्ट्रांग होना चाहिए, इसकी महादशा या उसका पीरियड चला उस पीरियड में आप ज़रूर बाहर जाके आप सफल हो सकते हैं, लेकिन आपके मेडिकल एक्सपेंसेस भी होंगे तो उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। सैटर्न के उपाय करिए, पत्थर मत पहनिए, वो सैटरडे को कुछ पूजा कर सकते हैं आप, सैटर्न की कृपा रखने के लिए सैटरडे को पूजा करिए, मंगलवार को पूजा करिए तो आपको बेनिफिट मिलेगा, और जो जो पूजा है वो तो कॉमन पूजा है आपको पता है, बाकी क्या है जो कि दूसरों का वेलफेयर करेंगे, दूसरों के अच्छा रखेंगे, घमंड नहीं करेंगे तो सैटर्न अपने आप ही अच्छा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटे भाई बहन के साथ सैटर्न यहाँ बैठे हुए रिलेशनशिप अच्छा करने की कोशिश करेगा, बट ऑब्वियसली वीनस का घर है और जुपिटर है तो उतना अच्छा नहीं रहेगा छोटे भाई बहन के साथ रिलेशनशिप, उल्टा बड़े भाई बहन के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। बड़े भाई बहन के साथ यहाँ पे बड़े भाई बहन आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, आपके ऊपर आपको ट्रस्ट करेंगे और आपको जितना हो सके उतना सपोर्ट करेंगे। छोटा भाई बहन के साथ आप सपोर्ट करेंगे और आप उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, लेकिन उनका थोड़ा सा इंक्लाइनमेंट थोड़ा दूर रहेगा लेकिन फिर भी ठीक ही रहेगा। वाइफ के साथ अच्छा रिलेशनशिप करेगा सैटर्न, हो सकता है लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाए या आउट ऑफ कास्ट मैरिज के चांसेस बढ़ जाए, लव मैरिज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें ज़्यादा बेनिफिशरी रहेगा। टेंथ हाउस में फादर के घर पे बैठा हुआ है, जुपिटर का ये हाउस है तो जुपिटर के साथ फादर का रिलेशनशिप आप पूरा कोशिश करेंगे अपने साइड से फादर के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखने का, लेकिन अगर फादर थोड़ा जुपिटर थोड़ा अच्छा रहे तो फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो भी जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन वर्क के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अगर गवर्नमेंट जॉब सर्विस के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में कोई मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में अगर आप जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, लिटिगेशन में भी आप जा सकते हैं आपके लिए अच्छा रहेगा। ये था मेरा प्रिडिक्शन सैटर्न का, अगर प्राइसेस लगन में रहेगा तो हर चीज़ में आपका अच्छा रहेगा, थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान रखिएगा अपना भी अपने वाइफ का भी, आपकी वाइफ के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहना चाहिए बिकॉज आप बैलेंसिंग एक्ट करेंगे और वो कैलकुलेटिव एक्ट करेंगी, अगर मरकरी कहीं अच्छा बैठा हुआ है तो दोनों का रिलेशनशिप गजब अच्छा रहेगा, एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे सपोर्टिव रहेंगे, बस कहीं ये जुपिटर कहीं गड़बड़ ना कर दे, इसके अलावा पूरा सैटर्न आपके लिए, सैटर्न और मरकरी अच्छा काम करेगा आपके लिए। तो ये मेरा एनालिसिस रहा पाइसेस के लिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।